बढ़िया हूँ। तो बच्चों ये हमारा हिंदी का पीरियड है ना। हाँ, और हिंदी का पीरियड आपको बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, तो बच्चों इससे पहले हमने एक कहानी सीखी थी। कौन सी कहानी सीखी थी? नानी की ढोलक। हाँ, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी ना। हाँ, तो उसी कहानी पर आधारित जो सवाल है वह सवाल हम छुड़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो यह आपकी बुक निकालो, सभी निकालो ये बुक। हाँ, अभी पेज नंबर 57 निकालो। हाँ, वेरी गुड। तो इस पर आपको अभ्यास दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अभ्यास। हाँ, तो इसमें हमारा पहला सवाल है बताओ और लिखो। ठीक है, उसमें से पहला सवाल है नानी की ढोलक कैसे घूमी। फिर से सुनो अच्छे से, नानी की ढोलक कैसे घूमी। तो इसका जवाब है नानी की ढोलक गोल गोल घूमी। उसके बाद दूसरा सवाल है नानी ने कैसे शोर मचाया। तो इसका जवाब है नानी ने पकड़ो पकड़ो शोर मचाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे दो सवालों के जवाब में मालूम हो गए हैं, है ना। हाँ, अभी हम देखेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है? देखो, ढोलक कौन बजाने लगा। ढोलक कौन बजाने लगा? ढोलक घोड़ा बजाने लगा। ढोलक कौन बजाने लगा? घोड़ा बजाने लगा। ठीक है। हाँ, अभी हमारा चौथा सवाल है पर फैलाकर कौन नाचा। पर यानी कि मराठी में उसको हम पंख बोलते हैं। ठीक है, विंग्स, इसको हम अंग्रेजी में विंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो पर फैलाकर कौन नाचा? तो पर फैलाकर मोर नाचा। जब बारिश आती है तभी मोर बहुत आनंदित होता है और खुशी से वो नाचने लगता है, अपने पैर फैलाकर वो बहुत नाचता है। उसी प्रकार वो ढोलक की आवाज़ सुनते उसको अच्छा लगा और वो नाचने लगा। ठीक है, ये कहानी हमने देखी है इससे पहले, देखी है ना। हाँ, तो पर फैलाकर मोर नाचा। कौन नाचा? मोर नाचा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला सवाल पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको इन सवालों के जवाब इधर भी लिखने हैं, किताब में भी लिखने हैं। किससे लिखोगे? पेंसिल से। वेरी गुड। और आपके ऐसे नोटबुक में भी लिखने हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखे हुए हैं। हाँ, इसके बाद हमारा दूसरा सवाल आता है। तो दूसरा सवाल क्या है? चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। यानी कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, लगभग कितने चित्र हैं? 4 चित्र हैं। तो ये चित्र देखकर आपको क्या करने हैं? वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, यह दूध की डॉट डॉट है। तो ये दूध की क्या है? क्या है यहाँ पे? दूध किस में रखा हुआ है? हाँ, तो वो शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो शब्द लिखने के बाद आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, ये आपका क्या है? होमवर्क है। हाँ, इसके बाद यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको दिखाई देगा हमारा तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है चित्र देखो और सही जगह पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द लिखो। यानी कि यह चित्र आपको देखने हैं अच्छे से। हाँ, और यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं लेकिन वो शब्द में ओ की मात्रा नहीं लगाई है। तो आपको क्या करना है? सही शब्द बनाने के लिए इन शब्दों में आपको ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो हमारा पहला चित्र कौन सा है? ये क्या है? 10 रुपए की क्या है? यह है नोट। इसको हम क्या बोलते हैं? नोट। और यहाँ पे शब्द दिया है नट। तो आपको न इस वर्ण को क्या करना है? ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, उसके यह उसके बाद यह कौन है? हाँ, ये जानवर है, आपको मालूम है। हाँ, फल रखते हैं।
और उसके बाद यह है क्या है इसमें धान, ये रसोई में होती है। हाँ हाँ आपको मालूम है। हाँ तो इन शब्दों को आपको अच्छे से ओपी मात्रा लगानी है, ठीक है बच्चों? ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा सवाल है, चित्र पूरा करके रंग भरो और नाम लिखो। यानी कि यहाँ पे कुछ डॉट डॉट बिंदु 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 दिए हुए हैं, है ना? हाँ तो आपको क्या करना है, पेंसिल से यह चित्र के जो ये बिंदु दिए हुए हैं वो अच्छे से जोड़ने हैं। हाँ और आपके पास बहुत सारे कलर होंगे, रंग होंगे, है ना? हाँ तो वो रंगों का इस्तेमाल करके आपको इस चित्र में रंग भरने हैं। और यहाँ पे जो चित्र तैयार हो जाएगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? आपको आपने पहचाना ये चित्र किसका है? हाँ मुझे मालूम है, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, देखते ही उन्होंने पहचान लिया है कि किसका चित्र है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 59 पर गाओ खेलो होली, यानी कि जो होली का त्योहार होता है इसके बारे में एक छोटी सी कविता दी हुई है। हाँ तो ये कविता आपको क्या करनी है, अपने माँ को पढ़कर सुनानी है अच्छे से, ठीक है? हम सभी रंगों से खेलते हैं, होली मनाते हैं, है ना? और होली आपको बहुत पसंद है। हाँ इसके बाद आपको और एक काम करना है, क्या करना है मालूम है आपको? हाँ ओम की मात्रा की वर्षित, जो बहुत ही आसान है। और ये जो नीचे दिए चौखाने में तीन पक्षियों और तीन पशुओं के नाम छुपे हैं ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे चौखाना है, हाँ तो चौखाना यानी कि ये बॉक्सेस है। हाँ तो इसमें तीन पक्षी और तीन पशु यानी कि तीन बर्ड्स है और तीन एनिमल्स की नाम है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो छुपे हुए नाम है उन्हें ढूंढकर यहाँ पे पक्षियों के नाम और यहाँ पे पशुओं के नाम आपको अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लिखने हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे सवाल की, नीचे लिखी कविता में ओम की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी हुई है। हाँ तो इस कविता में जिस शब्द में ओ की मात्रा है तो उस ओ मात्रा को आपको क्या करना है, गोला बनाना है। बहुत ही आसान है ना? हाँ और इसके लिए आपको कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है। तो आप अच्छे से इस वर्कशॉप को छुड़ाओ, ठीक है? इसके बाद क्लास टेस्ट की। हाँ तो इस क्लास टेस्ट में क्या है, ओ की मात्रा के जो शब्द है उस पर आपको सिर्फ टिक करनी है। जिन शब्दों में ओ की मात्रा नहीं है उन शब्दों को ऐसे ही खाली छोड़ देना है, ठीक है बच्चों? तो ये भी बहुत आसान है, ये आप अच्छे से कर सकोगे। तो बच्चों इसके आगे की पढ़ाई हम बाद में करेंगे, आज हमने जो हमारा पार्ट 10वां है उस पार्ट 10 में से जो हमारा अभ्यास है ना कि होमवर्क के जो सवालों के जवाब है ये हमने अच्छे से छुड़ाए हैं, ठीक है बच्चों? तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो और सुरक्षित रहो, ठीक है बच्चों? बाय बाय।